वाराणसी की चोलापुर पुलिस ने 4 पैथोलॉजी सेंटरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। ये पैथोलॉजी बिना किसी मेडिकल फैसिलिटीज, पैरामेडिकल स्टाफ और रजिस्ट्रेशन के ही चल रही थी। मरीजों की भर्ती और इलाज पर इनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। पिछले सप्ताह चोलापुर थाना क्षेत्र के एक नर्सिंग होम में अबॉर्शन के दौरान महिला की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद काफ़ी हड़कंप मच गया था। वाराणसी के CMO डॉक्टर संदीप कुमार चौधरी की शिकायत पर चोलापुर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आज यह कार्रवाई शुरू की है। अब जल्द ही इनके संचालकों की गिरफ्तारी भी होगी। जिन पैथोलॉजी पर कार्रवाई हुई है उनमें चोलापुर के वैदिक सर्जिकल सेंटर, भवानीपुर धरसौना अंश पैथोलॉजी, हरिओम जे के पैथोलॉजी और साईनाथ पैथोलॉजी शामिल हैं। चोलापुर के थाना अध्यक्ष दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि CMO के पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं मामले की जांच कर रहे दानगंज चौकी प्रभारी ने बताया कि सर्जिकल सेंटर पर पुलिस के द्वारा तालाबंदी कराई जा रही है। कई सेंटरों पर ताले लटका दिए गए हैं। जांच प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही इन मामले में गिरफ्तारी भी होगी और पैथोलॉजी सेंटर संचालकों को जेल भेजा जाएगा। वाराणसी के CMO डॉक्टर संदीप चौधरी ने चोलापुर पुलिस को पत्र भेजकर बताया था कि चोलापुर के संतोष चौहान के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। इसमें बताया गया था कि ये चारों पैथोलॉजी मनमाने ढंग से चल रही है। इनका ना तो रजिस्ट्रेशन है और ना ही इनके पास पैरामेडिकल स्टाफ। ये सभी चोलापुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वाराणसी आजमगढ़ मार्ग पर पांडेपुर से लेकर दानगंज बॉर्डर तक दर्जनों अवैध पैथोलॉजी सेंटर नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं। इन सभी की जांच कराकर मुकदमा दर्ज करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।